कॉर्ड कटिंग करके कैसे रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो। और उसी के बारे में तो कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी राय रखी है, तो कह रहे हैं कि कुछ इंसान होते हैं जो प्रॉब्लम देते रहते हैं लाइफ में, ओके, और हर बार आपको दिक्कत देंगे, धोखा देंगे, आपको हर्ट करेंगे और आपकी लाइफ में रहेंगे भी, और वो कसम खा के बैठे होते हैं कि मुझे तो इसे दुख देना है, इसे परेशान करना है, ऐसे होते हैं लोग, ठीक है। तो रिश्तों में क्या है कि आपको झुकना चाहिए, क्योंकि रिश्ते कायम करने हैं, ठीक है। तो कई बार अपने ईगो को साइड रखकर आपको झुकना चाहिए और झुककर उस रिलेशनशिप को बचाने की और उसे मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर रिश्ते में आपको ही बार 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 झुकना पड़े, तो फिर आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद और कोई फायदा नहीं है आपके झुकने का, आपको सिर्फ और सिर्फ दुख होगा और उससे रिलेशनशिप बेटर नहीं हो रही है। तो उस समय आपको रुक जाना है कि भाई मैं ही क्यों झुकूं, ऑल द टाइम झुकते ही रहना, क्या मेरा ही काम है? तो उस समय आपको रुकना है कि क्या फायदा है, इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, ओके। तो उनसे जो भी आपके अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उसे आप समझ लीजिए, ऊपर वाले से बात कर लीजिए और बोलिए कि मुझे इनसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इनकी इनके साथ ना रहना है, ना इनके साथ बात करनी है, ना इनसे कोई रिलेशन रखना है, मैं अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ जिए, खुश रहें। और उनको आशीर्वाद दीजिए कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको भला करे, क्योंकि सुधरने का तो नाम नहीं ले रहे, ठीक है। तो कई ऐसे रिलेशन होते हैं, मेरी भी लाइफ में है, तो उन्हें सिर्फ हम अवॉइड कर सकते हैं, या तो फॉरगेट कर सकते हो, याद आए तो बोले कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है, सद्बुद्धि दे, और हम अपने आप को शांति में रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। हमें उसमें पढ़ना नहीं है कि वो ऐसे क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आपकी एनर्जी खराब होगी, आपकी वो एनर्जी कॉर्ड में आपको नेगेटिव काइंड ऑफ फीडबैक मिलता रहेगा और वो आपको दिक्कत देगा। इसीलिए ये कॉर्ड कटिंग कर लेना है। हाँ, उनसे बात कर सको तो करके खत्म करो, नहीं कर सके तो साइलेंटली अपने कमरे में बैठकर ये कॉर्ड कटिंग टेक्निक अफर्मेशंस को यूज करके अपने आप को फ्री कर लो। और तब जब आपके अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, ये किसके लिए था? नॉन रेकी पर्सन के लिए, लेकिन आपके पास तो हीलिंग पावर है ना, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, हीलिंग करोगे, ये जो हीलिंग कर रहे हो इससे आपकी इंटरनल ब्लॉकेजेस दूर हो रही है, ऑलरेडी चक्र बैलेंस हो रहे हैं, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये जो आज का क्लास है ये आपके लिए तब तक जरूरी है जब आपको लगे कि हाँ कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप ये कर लेना, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी कि सर वो तो बात नहीं करते, उसको हम कैसे करें, उसके साथ तो ये हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप हीलिंग कर रहे हो ना, काम करेगा। एंड कॉर्ड कटिंग आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी, ठीक है, डेली हीलिंग चौकुरे से करना है। सेकंड, अभी मैं आपको सिर्फ कॉर्ड कटिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है, राइट, बात न करना चाहे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ओके। सिर्फ तकलीफ देने वाला मंजू, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ तकलीफ देता है, हम उसे अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई आमने सामने ही ना आए। अगर मजबूरी है कि सामने आते ही रहते हैं तो भाई हम थोड़ा सा साइड से निकल जाएंगे, बोलेंगे भगवान तुम्हारा भला करे, गॉड ब्लेस यू, रेकी ब्लेस यू, ठीक है। उसके लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, आशीर्वाद देके खत्म कीजिए, फालतू का दिमाग मत लगाएं, उसके बारे में सोचिए नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचेंगे आप उसको और ज्यादा पावर देंगे। उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में फील नहीं करना, इनफैक्ट उसको कुछ भी आपने वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देना, आप कुछ भी इम्पोर्टेंस मत दो उसके बारे में, ना बात करो, ना कभी क्रिटिसाइज करो, ना किसी से भी उसकी चर्चा करो, उसको मिस्टर इंडिया या मिसेज इंडिया बना दो, उसको एकदम ही दिमाग में रखो मत, और अपने लाइफ को ठीक करो ना, अपनी रिलेशनशिप बेटर करो, अपने जो भी आपके परिवार में उनके साथ अच्छा रखो, सबके साथ अच्छा बिहेव करो, उनको माफ करो, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनर्जी कॉर्ड को यूज करो, ठीक है, कॉर्ड कटिंग करो, हीलिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो, कॉर्ड कटिंग करने के बाद भी आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कर लो, ठीक है, अपने माइंड की हीलिंग कर लो एंड रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप कि आज जो भी आपने सीखा इसे आप प्रैक्टिकली करेंगे, आरएमपी हीलिंग के साथ जब करते हैं तो आसानी से कॉर्ड कटिंग होगी और आप फ्री हो जाएंगे और लाइफ में भर भर के सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है, थैंक यू।
बाय, ठीक है।